खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रानमा चौधरी मुख्तार अहमद बहावलका ने रवायती अंदाज में अपने फार्म हाउस डेरा बहावलका स्वाबा पर गंदम कटाई का इफ्तिताह कर दिया। मशीनों से गंदम की कटाई की बजाय हाथ से गंदम काटी। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी मोहम्मद रफी बहावलका, चौधरी इजाज अहमद बहावलका, सरफराज अहमद बहावलका, हाजे शबीर अहमद उम्मीदवार, ब्राय नाजिम, आबरिश बेजाद गोगल, साजिद अनमोल, अरफान अंजम सपरा, असर अब्बास सपरा, मलक इम्तियाज गुजर और जायद सपरा ने शिरकत की। इसी मौके पर चौधरी मुख्तार अहमद बहावलका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विसाख के महीने में गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। गंदम की कटाई का महसूस कल्चर सदियों से चला आ रहा है। ये पंजाब की सकाफत है कि किसान फसल पकने पर मंग बुलाता था, फिर सुबह बटे जाते थे, सत्थर डालकर भरोटे बांधे जाते थे और थ्रेशर के जरिए अनाज और वो अलग अलग किया जाता था। चौधरी मुख्तार अहमद बहावलका ने कहा कि सदियों पर मुहित वो मंग बुलाने वाला दौर बहुत शानदार था। पंजाबी लोग मिलकर फसल काटते और समेटते थे। देसी घी के पराठों, अचार, लस्सी और गुड़ से बना सुबह का नाश्ता, जर्दा चावलों, सूजी के हलवे और देसी घी से बने गोश्त से मंग की दोपहर को तवाजिया की जाती थी। लोग खुशी खुशी एक दूसरे की मदद करते थे। एक मोहब्बत, अकूत, भाईचारे, हमदर्दी और यकजहती की फजा देखने को मिलती थी। अब दो आदमी मशीन लेकर आते हैं और कुछ लम्हों में फसल समेट कर घर को हो लेते हैं। चौधरी मुख्तार अहमद बहावलका ने मजीद कहा कि ढोल की थाप पर बैसाखी का जश्न, मंग भत्ता और रिड़ी जैसे अल्फाज और अमल नापीद हो रहे हैं। ये चूंकि हमारी सकाफत है, इसलिए इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आज मैंने सदियों पुरानी पंजाब की सकाफत को नई जला बख्शी, अपने दोस्तों की मंग बुलाई। इस सकाफत के प्रचार के लिए आज मैंने सुबह बटे हैं, खुद गंदम काटी और सत्थर डालकर भरोटे भी बांधे हैं, थ्रेशर लगाकर भो भी बना लिया और अपनी रिड़ी भी ली। कैमरा टीम के साथ मिर्जा फैयाज मुख्तार, सिटी 11 न्यूज, मंडी बहाउद्दीन।